इस वक्त हम पहुँचे हुए हैं बिहार के पूर्णिया जिला मुख्यालय गंगा डार्जिलिंग रोडवे केपी मार्केट चौक पर, जहाँ विधायक अजीत सरकार की हत्या हुई थी। बहरहाल देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X इस वक्त जो आपको तस्वीर दिखा रही है वो है अजीत सरकार हत्याकांड जो हुआ था उसके प्लेस पर। हम लोग यहीं पर अजीत सरकार की हत्या हुई थी। और अजीत सरकार की हत्या कैसे हुई भी है, हमारी बात पूर्णिया के चर्चित पत्रकार अरुण कुमार से आज सुबह हुई थी। उन्होंने कहा था कि जिस दिन अजीत दा की हत्या हुई थी उस दिन बिहार में, खासकर पूर्णिया और सीमांचल में, दलितों की आवाज़ समाप्त हो गई। खैर, क्या कुछ हुआ था उस दिन हत्या पर, हमारे साथ दो व्यक्ति हैं, दोनों कॉमरेड हैं। एक का नाम सुभाष जी है, दूसरे का नाम क्या है और परिचय भी खुद ही देंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजीव सिंह है और हम CPM का जिला सेक्रेटरी हैं। जिला सेक्रेटरी हैं, दो बार से यहाँ जिला पार्षद भी हैं रानी पत्रास जी। ऐसे में राजीव जी का पहली बार फुटेज देखा था वृंदा करात जी के साथ, इस वक्त दिल्ली में थे आप, क्या ये सही है? हाँ सही है, बिंदा करात और सीताराम येचुरी के साथ इस बार मिले थे जाके हम। अच्छा, येचुरी जी से मिले थे तो क्या पहली बातचीत क्या हुई? येचुरी जी पूर्णिया को काफ़ी याद कर रहे थे, अजीत दा को याद कर रहे थे, यहाँ के जनसंघर्ष भूमि आंदोलन के बारे में पूछ रहे थे अब कैसा है। और हमारे पिताजी लोगों को, चाचा हैं सुभाष चाचा, ये चाचा तो, जी है। हाँ तो हमारे पिताजी के साथ ये लोग भी पुराने कॉमरेड हमारे पिताजी डॉक्टर मनोज, जब हम येचुरी साहब को डॉक्टर मनोज के बारे में बताए तो बहुत खुश हुए जो तुम उनका लड़का हो। बोले जी हम उन्हीं का लड़का। अच्छा, आपको याद है? हम उस समय पटना में थे, पटना में थे और जब हत्या हुई थी तो उसी दिन शाम में बस पकड़ के सुबह पूर्णिया आ गए थे। और पूर्णिया का जो माहौल था पूरा आक्रोश था, उस आक्रोश हत्या के बाद एक दिन बाद, जैसे आज हत्या हुई कल सुबह हम पटना से यहाँ आ गए थे और जो रोड पे आक्रोश था उस आक्रोश का हम लोग भी सहभागी थे। उसमें जो भी आंदोलन हुआ था सभी जगह हम लोग आंदोलन में थे, आक्रोश में थे जनता के साथ। अच्छा, अजीत सरकार से पहली मुलाकात जब हुई थी बच्चे होंगे, क्या कुछ यादें हैं? अजीत सरकार हमारे यहाँ बराबर जाते, मेरा घर भी रानी पत्रा है और उनका भी घर रानी पत्रा है। उनके पिताजी होम्योपैथिक डॉक्टर भी थे। हाँ, और मेरे पिताजी भी होम्योपैथ डॉक्टर हैं और डॉक्टर जैसी सरकार के शिष्य रहे हैं। और वो मरते वक्त बोल के गए थे जो हमारा उत्तराधिकारी डॉक्टर मनोज ही होगा, तो उनके परिवार से मेरा पारिवारिक रिलेशन रहा। और अजीत दा बराबर आते थे, बचपन में देखते थे और उनका पसंदीदा नाश्ता घुगनी मुरी होता था। जब भी आते थे तो मेरी माँ को फ़ोन करके भाभी आ रहे हैं घुगनी बुनी बना के रखिएगा, तो हम लोग देखते थे। और बचपन से ही शौक़ था हमको भी अजीत दा के तरह क्रांतिकारी बने, नेता बने, उनके रास्ते पर चले। अगर आज हम कुछ भी राजनीति में कर रहे हैं तो हमारा आइडियल अजीत सरकार ही है, क्योंकि हम उनको बचपन से देखे हैं। अच्छा, पूर्णिया में तो कहा जाता है कि अब कम्युनिस्ट समाप्त हो गया। नहीं, कहीं कम्युनिस्ट समाप्त नहीं हुआ है। अभी पूरे देश में जो दौड़ चल रहा है जात का धर्म का, उसमें थोड़ा सा पिछड़े, लेकिन समाप्त अभी भी पूर्णिया में सभी दल से ज़्यादा मजबूत हैं। आप किसी भी धरना प्रदर्शन आंदोलन में देख लीजिए, हमसे ज़्यादा संख्या किसी का नहीं रहता। अच्छा, अब हम सुभाष जी से बात कर लेते हैं। आइए सुभाष जी, थोड़ा आप आगे आइए। और उस दिन क्या घटना हुई थी और कहाँ पर गोलियाँ चली थी, हमारे दर्शकों को बताइए। क्योंकि कहा जाता है कि अजीत सरकार को सबसे पहले अगर किन्हीं ने उठाया था जब हत्याकांड हुआ था, वो सुभाष जी थे और एक बोझदार थे, चूँकि बीमार चल रहे हैं इसलिए वो नहीं आ पाए। क्या क्या हुआ था उस दिन? ठीक शाम का 5 बज रहा होगा, पूरी बादल लगी हुई थी, बिजली तड़क रहा था। उसी दरमियान में एक पंचायती करके अजीत सरकार लौट रहे थे, हरदा से लौट रहे थे। रास्ता जर्जर था। इसी रास्ते पर मैं यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर मेरा अपना डेरा था और वहाँ पर हम थे। ठीक अजीत सरकार का गाड़ी 14-26 गाड़ी था, उसी गाड़ी से वो आ रहे थे। तो देखे जो यहाँ पर घटनास्थल पर जो एक आवाज़ लगातार तर 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 का आवाज़ हुआ, तो हम लोगों को लगा कहीं बिजली तड़क रहा है, ऐसी अनुभव हुआ। लेकिन बिजली तड़कने का अनुभव हुआ तो हम लोगों को हुआ जो कोई बिजली तड़क रहा है। लेकिन क्या मन में हुआ, जो हम जैसे रोड पर निकलते हैं तो देखते हैं जो ठीक जहां मेरी वो मोटरसाइकिल लगी हुई है
उसी जगह पर मोटरसाइकिल जहां मेरी लगी हुई है ठीक उसी मोटरसाइकिल के निकट अजीत सरकार की गाड़ी 1426 लगी हुई थी। 1426 अजीत सरकार की गाड़ी लगी हुई थी एम्बेसडर। तो मैंने देखा दी ये तो अजीत दा का गाड़ी है। मैंने वहाँ से नुंगी पहने हुए ही गंजी और नुंगी पहन के जैसे दौड़ के आए तो देखे अजीत सरकार मृत पड़े हुए थे। जैसे मैंने उनको उठाने की कोशिश किया तो मेरा हाथ पूरा का पूरा उनके ब्रेन में खोपड़ी में घुस गया। तो मैंने देखा अजीत सरकार समाप्त हो गया, खोपड़ी में घुस गया। हाँ, पूरा हाथ मेरा उसमें घुस गया, पूरा गुद्दा निकला हुआ था। तब वहाँ से मेरा मैं जैसे ये देखा, देखने के बाद उसमें एक उनका बॉडीगार्ड था और मैंने यहाँ हल्ला करने लगा तो बॉडीगार्ड था रमेश उड़ाओ आवाज़ दिया सुभाष दा हम जिंदा हैं, हमको किसी तरह से बचाइए। मैं उनको भी छोड़ दिया और दौड़ के सबसे पहला आदमी नुंगी और गंजी पहने हुए दौड़ के अजीत सरकार के घर पर गए दौड़ते हुए। और जाके वहाँ भाभी बैठी हुई थी, बच्चा सब बैठा हुआ था, वो हमको देख के हंसने भी लगा जा सुभाष चा कैसे दरबार मार के आ रहे हैं। जाके हम भाभी को बताया जिससे अजीत सरकार की हत्या हो गई फलाने जगह पर। और मैंने पुनः दौड़ के यहाँ आया और उस बॉडीगार्ड को निकाल के बॉडीगार्ड को मेरा एक मोटरसाइकिल यहाँ था, मेरा एक बुलेट मोटरसाइकिल था, उस पर एक आदमी को बैठाए और बुलेट पर बैठा के उसको लेके गए हॉस्पिटल। जाके पहुँचा के कुमार नरेंद्र को, उस समय सेक्रेटरी थे कुमार नरेंद्र, हमारा मित्र था, उनको जाके बोले अजीत सरकार की हत्या हो गई। और वहाँ से हम लोग दौड़ के यहाँ आए। तब तक मैं यहाँ से पुलिस पहुँच चुकी थी और आम आवाम भी जमा हो चुका था। तो उस समय मैं कलेक्टर था, कोई मिश्रा जी चार्ज में थे। तो आक्रोश जब बढ़ गया तो हम लोग जब रोड जाम कर दिए, आक्रोश बढ़ गया तो उसमें हो गया विवाद हो गया। तो उसी पर हम लोग इतना आक्रोशित थे जो कहने से बाहर थे, आपा खो चुके थे हम लोग, इसलिए हमारा नेता का हत्या हुआ था, मेरा मित्र का हत्या हुआ था, इसलिए हमसे बहुत क्लोज मैंने क्लोज रिश्ता था। मैंने बस वहाँ से इसके बाद हम लोगों ने वहाँ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के क्रम में वहाँ ईटा रोड़ी पत्थर पब्लिक चलाना शुरू किया और जिसमें कि डीएम का कपार भी फूट गया था, यहाँ के डीएम साहब का सिर फट गया था। इसके बाद यहाँ तो कोहराम मच गया तो पूरे का पूरे प्रशासन और प्रशासन से विशेष यहाँ कि आम आवाम जितने भी लोग धीरे धीरे जानने लगा और सारा लोग जमा हो गया। पूर्णिया का चक्का बंद, पूर्णिया का सवा आवागमन बंद, अपने आप शटर गिर गया, दुकानें बंद हो गई। और उस समय में ऐसा लग रहा था कि पूर्णिया अब जलेगा ही, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लालू प्रसाद उस समय में मुख्यमंत्री थे, नब्बे का दौर था, लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे, 98 का दौर था। और उस समय में लालू प्रसाद यादव यहाँ आना भी चाह रहे थे, हम लोगों का नेता था गणेश शंकर विद्यार्थी जी, और गणेश शंकर विद्यार्थी जी हम लोगों से बात करके कहा जो ये आना चाह रहे हैं तो उनको आने दीजिए, आप लोग ये मत कीजिए। शाम हो चुकी थी, हम लोग यहाँ से लाश उठा के गए और उसको हुआ कहाँ रखा जाए, फिर उसको हम लोगों ने रखा उनके घर पर। और तब जिला स्कूल के मैदान में लालू जी दो, एक डीएम और एक एसपी जो आरएस भट्टी और दीपक कुमार डीएम, दोनों को हेलीकॉप्टर से लेके आए थे और उनको भी भय हो रहा था जी सरकार से, उनको भी बहुत ही लगाव था। और वह वहाँ आए, आके बोले मैं पूर्णिया ये बहुत बड़ी जघन अपराध हुआ है, अजीत सरकार के साथ जो घटना घटी है निश्चित रूप से मैं दो चीज़ को यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, मेरा डीएम और एसपी, और इसको खगोल के इसका हत्यारा किसी भी कीमत में नहीं छोड़ा जाएगा। हम लोगों ने तब आंदोलन कर दिया जो नहीं इसका सीबीआई जांच हो तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। लालू जी ने एक्सेप्ट किया, ठीक है इसका मैं सीबीआई जांच करवाऊँगा। और भट्टी साहब की निगरानी में यहाँ पर जो कैलकुलेशन आया सेम चीज़ सीबीआई ने जो जांच किया वही चीज़ आया। कॉमरेड नीचे आवे और एक्यूरेट जगह बताएं कि कहाँ पर अजीत सरकार की हत्या हुई थी। तो नीचे उतरेंगे चूंकि दिक्कत है। और राजीव जी से हम बात करते हैं कि जब आप पटना से पूर्णिया आए उस वक्त तो बस से बहुत धीरे धीरे आते हैं, आखिर पटना से पूर्णिया तो क्या हो रहा था? पूर्णिया पर पूरा जन आंदोलन हो गया था, अजीत सरकार दलित आदिवासी छात्र नौजवान किसान मजदूर के मसीहात और पूरा पूर्णिया की जनता सड़क पर उतर गई थी। पूर्णिया सरकार सड़क पर उतर गई, पूरा सड़क पर पूर्णिया में पूरा माहौल बिगड़ा हुआ था, लोगों में आक्रोश था जो उनके जनप्रिय लोकप्रिय नेता की हत्या हो गई थी। लेकिन आज दुर्भाग्य है सब जांच के बावजूद भी अजीत सरकार के परिवार को और उनके चाहने वाले को आज तक न्याय नहीं मिला। सुभाष जी हम लोग नीचे इसलिए आए कि ये जानना चाहते हैं कि आखिर अजीत सरकार की एक्यूरेट हत्या का शव आपने कहाँ पर उठाया? बस यहाँ पर, ये जगह है, इसी जगह
एक्यूरेट इस जगह भी ना आप दिखाइएगा, इसी जगह जहाँ आपकी गाड़ी खड़ी है। मेरी गाड़ी है यहीं पर, उनकी गाड़ी लगी हुई थी, गाड़ी में गिरे हुए थे। जहाँ पर ये गाड़ी लगी हुई थी वहीं पर वो गाड़ी में ही गिरी हुई थी, और उनके साथ दो और था, एक ड्राइवर था वह भी गिरा हुआ था, और उनके साथ एक कोई आदमी उनके साथ में एक हमारा कॉमरेड ही था आफाक अबर रहमान, वह भी गिरा हुआ था उस गाड़ी पर। माने तीन तीन आदमियों की हत्या हुई थी उस दिन, तीन तीन आदमियों की हत्या हो गई थी। मुख्य मकसद था अजीत सरकार को मारना, मारने के पीछे, अजीत सरकार के मारने के पहले एक गाड़ी हम मोटरसाइकिल चला, बुलेट मोटरसाइकिल था, एक बुलेट गाड़ी आई, तो उसके बाद बुलेट गाड़ी आगे आगे आया और अजीत सरकार को हाथ दे के रोका। इसके पीछे एक यामा गाड़ी था, जिस यामा गाड़ी पर वो हत्यारा था बैठा हुआ, और उसका चला ड्राइवर कर रहा दूसरा कोई कर रहा था, आज वह भी इस दुनिया में नहीं है, जिसका नाम आया था वह भी इस दुनिया में नहीं है। और सेम उसी समय में वह गाड़ी को रोका है, पाछे से आके जिस हत्यारा ने है उसने गोली अजीत सरकार को मारा, और वह छियालीस गोली खाली होने के बाद, इसके बाद वो मैगजीन बाहर फेंक दिया और उसी गाड़ी पर चढ़ते हुए आगे। हमारे दो मित्र उधर से अजीत सरकार को देखने के लिए आ रहे थे, मसूदन ऋषि, वह भी आज हमारे बीच में नहीं है, और लाल बहादुर उड़ाव, उन्होंने देखा जो सुभाष दा यहाँ है और अजीत सरकार का हत्यारा उधर से भागा, उसने आई विटनेस भी था इस केस में, और उसने ही देखा आज फलाने आदमी मार के भागा, और इसके बावजूद भी न्याय नहीं मिला। सबसे आखिरी सवाल है आपसे राजीव जी, कि कम्युनिस्टों की राजनीति अब आप कर रहे हैं, चूँकि सुभाष जी अब राजनीति में बहुत पीछे जा चुके हैं और राजनीति में अब आगे आप बढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने राजनीति में कोई सीनियर नहीं होता, जूनियर नहीं होता, सिर्फ क्या अजीत सरकार का हर वर्ष 14 जून को ही हम लोग पुण्यतिथि मना करके काम चलाएंगे, या फिर कम्युनिस्ट आगे भी बढ़ेगा? नहीं नहीं, सिर्फ आज पुण्यतिथि नहीं मनाया जाता है, आप बराबर देखिए, किसान के सवाल पे हो, मजदूर के सवाल पे हो, गरीब के सवाल पे हो, सीमांचल में कैसे उभरेगा? सीमांचल की बात हम नहीं करते हैं, लेकिन पूर्णिया में अभी भी कम्युनिस्ट मजबूत है, अजीत सरकार का किया हुआ इतना है, आज भी गरीब आदिवासी किसान मजदूर उनको भगवान मानते हैं, मसीहा मानते हैं, लोगों के दिल में वो बसे हुए हैं, और ज़रूर उधर बीच में कुछ दिन शिथिल हुआ था, लेकिन इधर 10 वर्षों से जब से हम लोग पार्टी ज्वाइन किए हैं, अभी पार्टी मजबूत स्थिति में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और अजीत सरकार का जो अधूरा सपना है उसको हम लोग ज़रूर पूरा करेंगे, उनके जनसंघर्ष को, उनके आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। ग्राउंड रिपोर्ट पर हैं, और ग्राउंड रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि अजीत सरकार की हत्या हुई, हत्या के बाद क्या हुआ, और सीपीआई और सीपीआईएमएल जो चल रहा है। सुभाष जी आखिरी सवाल बताइएगा कि जिस दिन हत्या हुई, हत्या के बाद आरएस भट्टी की बात कही आपने, आरएस भट्टी आज बिहार के डीजीपी हैं, उस वक्त उन्होंने लालू जी ने कहा था कि बिहार में हम भट्टा बैठा देंगे, किस चीज़ का भट्टा बैठा देंगे यह भी बता दीजिए? अपराध का भट्टा हम बैठवा देंगे, पूर्णिया जिला में अपराध का भट्टा बैठा देंगे, जिला स्कूल के मैदान में कहा, जिला स्कूल के मैदान में ओपनली वो उन्होंने घोषणा किया था, ये सच्चाई भी है। आरएस भट्टी जब आया तो यहाँ अपराधियों का जो था उनको तो हम लोगों ने देखा है, अपराधियों का साथ जो उन्होंने किया, कई अपराधियों को तो अगर वो गिरफ्त में नहीं आया तो उनके घर को उजाड़ के उन्होंने वहाँ जोतवाने का काम और वहाँ पर कुर्थी बुनवाने का भी काम किया था। अपराधियों में इतना भय था जो पूर्णिया जिला अपराधी छोड़ चुका था। अच्छा, अमित सरकार आपके घर पर आए थे जब बिहार में मेयर चुनाव चल रहा था, क्या अजीत सरकार हत्याकांड पे कोई बात हुई थी? नहीं, इस संबंधित कोई बात नहीं हुई थी, अमित ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो जब भी यहाँ आते हैं तो हम लोगों से पारिवारिक संबंध है तो मिलते जुलते हैं। उसी मैंने अमित सरकार को एक बार आमिर खान के सामने देखा था, जब मैं क्लास में शायद 8 क्लास में पढ़ रहा था तभी मैंने देखा। एबीपी न्यूज़ पर एक कार्यक्रम चलता है उसमें, स्टार न्यूज़ के, स्टार प्लस जो उस वक्त सत्यमेव जयते सीरियल आया गया, उसमें मैंने देखा था। खैर बहरहाल, आपको ये हमारा ग्राउंड रिपोर्ट कैसा लगा आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।